हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आप लोगों की ज्योग्राफी का टेस्ट है। चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि कौन कौन से आप लोग तैयार करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। तो जो भी टॉपिक आपको दिए गए थे, अक्षांश, देशांतर, वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, चक्रवात, जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, जिनके आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप टेस्ट होने के बाद उन्हीं को जो है दोबारा से चेक करिएगा, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, 23 या 24 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। यदि नहीं आते हैं तो आप दोबारा से चेक करिएगा, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स को। क्वेश्चन 1 देखें, अक्षांश रेखाओं के संबंध में सही कथन क्या है? अक्षांश रेखाओं के संबंध में सही कथन क्या है? चार ऑप्शन ध्यान से देखें। विषुवतीय रेखा के समानांतर होती है, समय निर्धारण में सहायक नहीं है अक्षांश रेखाएं, किसी की भू स्थिति निर्धारण में सहायक हैं, या यहाँ पर तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं। तो फटाफट से जो है वो लिखते जाइए, क्वेश्चन 1 का ए बी सी डी। ऐसे आप लिखेंगे तो मुझे भी पता लग जाएगा कि आप कौन सा आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन 1 का दे रहे हैं या 2 का दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में टोटल जो है वो नंबर आप बताइएगा, कितने आप लोगों ने सही किए हैं। तो बताइए, अक्षांश रेखाओं के संबंध में सही कथन क्या है? विषुवतीय रेखा के ये समानांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं इस तरीके से होती हैं, समय निर्धारण में सहायक नहीं है, किसी की भू स्थिति निर्धारण में सहायक होती हैं, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यदि आपके ये टॉपिक क्लियर है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है अक्षांश रेखाओं से संबंधित, तो आपने आंसर लगा लिया होगा। और इसका सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, ये देखिए, इसका आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, विषुवतीय रेखा जिसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री होती है। तो ये बिल्कुल समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं खड़ी जो रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। समय निर्धारण में ये सहायक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो मौसम का, जलवायु का निर्धारण करती है, ऋतुओं, ऋतु परिवर्तन जो होता है वो हमें पता लगता है। किसी की भू स्थिति निर्धारण में सहायक है, तो यहाँ भू स्थिति की भारत जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, राजस्थान कहाँ पर है, तो उस भू स्थिति का निर्धारण करने में सहायक है अक्षांश रेखाएं। तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो यदि आपने डी लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं लास्ट में सबके कमेंट देखूंगी। क्वेश्चन 2 देखें, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, या उपरोक्त सभी। बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका किसी को भी जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई भी गलत कर दे इसका आंसर। पृथ्वी के परिमंडलों के क्या नाम है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, वायुमंडल का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है, तो यहाँ बहुत अच्छे से जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा, पृथ्वी के परिमंडल के जो नाम है वो बिल्कुल ये तीनों ही हैं, ठीक है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, और जल मंडल है। और इन तीनों को मिलाकर जो हम रहते हैं, मानव जहाँ रहता है उसको कहते हैं जैव मंडल, जहाँ पर स्थल, वायु और जल तीनों का मिश्रण है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप, यदि आपने कहीं से भी पढ़ा है, इस तरीके से आपने मैप बनाया होगा। ये क्या हो गया, ये समझिए आपका स्थल मंडल हो गया, ये क्या है, वायुमंडल है, ये जल मंडल है, और तीनों का समावेश जो हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, जैव मंडल है, जहाँ पर मानव रह रहा है। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, या दिन रात घटित होते हैं। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन कैसे भी पूछे जाएं आपसे एग्जाम में, ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे कि आप लोग जो है यहाँ अटकेंगे, लेकिन वही बच्चा अटकेगा जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो सर ने आपको बहुत अच्छे से जो है वो पृथ्वी का जो है मैप के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, समझाया है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, कर्क व मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, या दिन रात घटित होते हैं। घूर्णन का मतलब क्या है, कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। अब बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। यहां पर तीन तो गलत हैं, एक सही है।
तो बिल्कुल जिन्होंने लगाया है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके द्वारा जो है वो दिन रात घटित तो होते हैं, इसीलिए पृथ्वी के घूर्णन को हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे के अंदर जो है वो घूम लेती है अपने अक्ष पर। तो इससे दिन रात जो है वो छोटे बड़े नहीं होते हैं, गलत है। ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? परिक्रमण। ठीक है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दिन रात इससे घटित तो होते हैं। तो ऐसे ही फटाफट से जो है वो आंसर लगाइए ऑप्शन देखते ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पढ़ते ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वायु की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायु की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तो आंसर ही आ गया है, तो यहाँ पर फटाफट से जो है वो इसका आंसर सभी बच्चे जो है वो देख लें। इसका आंसर बी होगा, एनीमोमीटर कहा जाता है। ठीक है, वायु की जो गति है स्पीड जो है उसको बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर कहा जाता है। और ये चित्र जो है वो एनीमोमीटर का है। ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो आप देख लें। क्वेश्चन 5 है, 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, कहाँ होती हैं? मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर? बताइए, 21 जून को सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत होती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा? सोचिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट से जो है वो आंसर जो है वो आप लगाते जाएं यदि आपको इसका सही आंसर पता है। तो बताइए कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है लंबवत होती हैं, किस रेखा पर? क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5, जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल सही है। 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं कर्क रेखा पर, तो इसको क्या बोला जाता है? कर्क संक्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, और 22 दिसंबर जो है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं तो उसको बोला जाता है मकर संक्रांति। तो ये जो है वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 6, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्यवर्तीय व्यास में कितना अंतर है? एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल साफ साफ जो है ध्रुवीय व्यास और भूमध्यवर्तीय व्यास जो है वो बताया गया है। लगभग 27 किलोमीटर, लगभग 67 किलोमीटर, लगभग 42 किलोमीटर या 72 किलोमीटर? तो बताइए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास आपको पता होना चाहिए, भूमध्य व्यास आपको पता होना चाहिए, और उसमें से आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, उसको घटाएंगे, तो आपको अंतर पता चल जाएगा। तो फटाफट से जो है वो आंसर आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन बन के जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी यदि आप गलत करते हैं, तो सही आंसर जो किए हैं वहां से भी आप जो है वो मारे जाएंगे, वहां से भी जो है वो आपके मार्क्स घट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आंसर जो है वो सही देना है। सबसे पहले तो ध्रुवीय व्यास आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वह कितना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ध्रुवीय व्यास जो है वह है 12714। ठीक है, बार बार बोले 12714, 12714। ठीक है, भूमध्यवर्तीय जो व्यास है, भूमध्य रेखीय जो व्यास है वह कितना है? तो यहाँ पर बोलिए 12756। कितना है? 12756। तो दोनों ही व्यास व्यास हैं, ध्रुवीय व्यास 12714, भूमध्यवर्तीय व्यास 12756। यदि इसमें से आप जो है वो घटा देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा? 6 में से 4 जो हैं वो 2 आएंगे, 5 में से 1 आएगा 4। ठीक है, कितना आ गया? 42 किलोमीटर। कितना अंतर आया? 42 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सही है, यदि आपका सही है वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है कितना है? औसत तापमान पता होगा आपको, नहीं पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, दैनिक तापांतर या मैग्नीफिकेशन? बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो फटाफट से जो है यहां पर दो के आंसर आपको देने हैं, एक तो पृथ्वी के औसत तापमान कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर इसमें वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो चाहे सेकंड ग्रेड का हो आपका एग्जाम, चाहे आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, वायुमंडल पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ेंगे, वहां पर आपका ये क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो ध्यान से जो है वो आप देखिए, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है? 15 डिग्री।
सेल्सियस, ठीक है। यहां पर देखिए आंसर क्या रहेगा, यदि इसमें वृद्धि हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखें, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 78.08%, 28.95%, 20.95% या 00.93%। तो बताइए, यदि आप वायुमंडल का टॉपिक पढ़ रहे हैं तब भी आपके जो हैं सभी आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, पर्यावरण समस्याएं पढ़ रहे हैं वहां पर भी आपको ये सभी आंकड़े पढ़ने होंगे, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड चाहे थर्ड ग्रेड, तीनों में ही ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वायुमंडल के संगठन की यदि बात करें तो बहुत सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है, ठीक है, भारी कौन सी है, हल्की कौन सी है, सभी पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, ऑक्सीजन जिसको O2 इस तरीके से जो है वो हम देखते हैं, इसका सिंबल होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, फटाफट से बताइए, ABCD। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने लगा लिया है ऑप्शन सी 20.95%, वो बिल्कुल सही है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 20.95%। वहीं पर 78.08% ये किसका है, ये है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन जो कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक है ये। उसके बाद 0.93% ये किसकी है, ये है ऑर्गन की, ठीक है, जिसको हम AR लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन जो है वह O2 है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में पूछें तो आपको बताना है 0.03%, ठीक है। तो वायुमंडल में जो है वो सर्वाधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है 78.08%, उसके बाद पूछे ऑक्सीजन है 20.95%, उसके बाद पूछा जाए ऑर्गन है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। तो ये चारों जो गैसेज हैं इनके जो है आंकड़े आपको पता होने चाहिए, NCERT बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। वायु में स्थित वाष्प रूपी जल को क्या कहा जाता है, वायु में स्थित वाष्प रूपी जल को क्या कहा जाता है, संवहन, वाष्पन, वाष्पीकरण या आर्द्रता, बताइए इसका सही आंसर। वायु में स्थित वाष्प, वाष्प रूपी जो जल होता है उसको क्या कहा जाता है, ये चारों ही जो नाम है इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वायु में स्थित वाष्प रूपी जल है उसको हम क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 10, धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायु का जो दाब है, यानी वायु का पड़ने वाला दाब, इस प्रेशर के कारण लगभग कितना भार पड़ता है, धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायु दाब के कारण लगभग कितना भार पड़ता है, कितना एयर प्रेशर जो है वो पड़ता है, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम या 1 सेंटीग्राम। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायु दाब के कारण लगभग कितना भार पड़ता है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप 2-3 बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, पूछ क्या रहा है, ठीक है, फिर आप उसका आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल सा है ये इसका आंसर, और एक बार में ही जो है वो आपके आ जाना चाहिए था। क्या लगा रहे हैं आप सभी, तो देखिए यहां पर जो आंसर रहेगा वो है 1 किलोग्राम। नेक्स्ट देखें, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जहां का टेम्परेचर बहुत अधिक है उसमें वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे किस प्रकार का वायुदाब निर्मित होता है, निम्न अथवा उच्च दोनों संभव, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब या उपरोक्त में से कोई नहीं। जहां का टेम्परेचर अधिक होगा वहां आपको बतानी है वायुदाब कैसा होगा, सिंपल सा यही पूछा है आपसे, ठीक है। ऐसे उलझाने के लिए आपको जो है वो स्टेटमेंट दे देता है एग्जामिनर, ताकि आप जो है उलझ जाओ और ऑप्शन में फंसकर गलत कर दो। पूछा क्या है, एक जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि उच्च ताप, जहां पर उच्च ताप होगा इसका मतलब क्या है,
तो वहां पर जो है निम्न वायु दाब होगा, ठीक है। जहां पर अधिक जो है वो टेम्परेचर होगा, तो वहां पर क्या होगा, जो हवा है वो गर्म होकर जो है वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो दाब जो है वो कैसा बनेगा, निम्न वायु दाब बनेगा, और हवा जो है वो किस तरफ जो है वो होलेगी, जहां पर उच्च वायु दाब होगा। नेक्स्ट देखें, राजस्थान की लू चिनुक रॉकी पर्वत की, फोन और मिस्टर यूरोप की, ये किस प्रकार की पवने हैं? स्थाई पवने हैं, स्थानीय पवने हैं, अस्थाई पवन है या मौसमी पवन है? राजस्थान की जो लू है, इसी से आइडिया लग जाना चाहिए किस प्रकार की पवन है ये। राजस्थान में रहते हैं तो पता है लू जो कि कब चलती है, गर्मियों में चलती है, कैसी है, गर्म है, ठीक है। अब बताइए कि लू जो है वो किस प्रकार की पवन है? तो आपको चिनुक कहाँ चलती है, रॉकी पर्वत पर, फोहन और मिस्टर कहाँ चलती है, यूरोप में। तो कैसी हैं ये पवने? तो देखिए, इतना सोचने की जो है वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये किस प्रकार की पवने हैं। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्थानीय पवने, स्थान विशेष में चलने वाली पवनों को हम स्थानीय पवने कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्थानीय पवने हैं ये सभी, राजस्थान की लू, रॉकी पर्वत पर चलने वाली चिनुक, फोहन और मिस्टल, जो कहाँ है, यूरोप की, ठीक है। तो मिस्टल जो है वो यूरोप जो है, यहाँ की जो रोन घाटी है उस क्षेत्र में चलने वाली पवन है। कैसी पवन है ये, सारी गर्म पवन है। वायु दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है, वायु दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? अभी हमने देखा कि वायु दाब की जो गति है उसको मापने का यंत्र हमने देखा था। अब पूछा है वायु, सॉरी, वायु की गति मापने का जो यंत्र है वो हमने अभी देखा था। तो यहां पर वायु दाब मापने के यंत्र का नाम पूछा है एमीमीटर, बैरोमीटर, एनीनोमीटर या एनोमीटर। तो इसको तो हमने देख लिया था कि ये जो है वो वायु की गति मापने का है, तो ये तो आंसर नहीं रहेगा। अब आप तीनों में से जो है वो आपको आंसर बताना है कि वायु का जो दाब है, एयर प्रेशर जो है, इसको मापने के यंत्र को हम क्या कहेंगे। तो कुछ बच्चे तो फटाफट से आंसर दे देते हैं, क्योंकि उनके तो कंसेप्ट क्लियर हैं, टॉपिक उन्होंने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर रखा है, और ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। वायुमंडल के जो टॉपिक है, अक्षांश, देशांतर है, पृथ्वी की गतियां हैं, यहां से आपको लगभग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो यहां जो आंसर रहेगा वो है बैरोमीटर, ठीक है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? तो बताइए इसका सही आंसर। तो यहां जो आंसर रहेगा, सबके कमेंट देखूंगी मैं लास्ट में, सबको कमेंट करना है, ऐसा नहीं सोचना है। कई बच्चे तो केवल क्वेश्चन देखते हैं, उनके आंसर का जो है वेट करते हैं, ठीक है, और सोचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसको हम देखेंगे। आंसर देने में क्या कर देते हैं, कंजूसी कर देते हैं, आलस कर देते हैं। आलस क्यों करते हो, आपकी ही ये सब कुछ आपके लिए ही है, इतनी मेहनत जो भी की जा रही है ये सब आपके लिए की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगला देखिए, धरातल से सौर मंडल से ऊपर की ओर जाने पर औसत कितनी ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है? धरातल से सौर मंडल से ऊपर की ओर जाने पर औसत कितनी ऊंचाई पर, एवरेज पूछा है कि 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तापमान में कमी आती जाती है, ये सबको पता है, ठीक है। ऑप्शन देखें, 163 मीटर, 162 मीटर, 159 मीटर या 165 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के उसके आंसर जो है वो पता लग रहे हैं। लगभग 25 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन हर बार की तरह 25 क्वेश्चन ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ आपके कई जो हैं वो चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो धरातल से सौर मंडल से
से ऊपर की ओर जाने पर औसत कितनी ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स इस तरीके से तैयार करो कि आपके जो नोट्स हैं वो आपको इतने सुंदर लगें पढ़ने में, देखने में, कि आपको मज़ा आ जाए, और रिवीजन के टाइम पर आप फटाफट से जो है उनको हाईलाइट करके जो है वो आप याद कर सको, रिवाइज कर सको। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा 165 मीटर। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है, क्षोभमंडल होता है। वायुमंडल की जो परतें हैं टेम्परेचर के आधार पर, किसके आधार पर बता रही हूँ मैं आपको, टेम्परेचर के आधार पर, तो वायुमंडल की 5 परतों में विभाजित करते हैं हम। सबसे नीचे जो है वो क्षोभमंडल है, उसके बाद जो है समताप मंडल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है कौन सा मंडल आ जाएगा, मध्य मंडल आ जाएगा, उसके बाद आयन मंडल आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा बहिर्मंडल। तो कुछ बातें मैं आपको यहीं पर जो है वो क्लियर कर देती हूँ, बाकी जो है आप जहाँ नोट्स पढ़ रहे हैं वहाँ डिटेल में आप लोगों की ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो ये तो है टेम्परेचर के आधार पर वायुमंडल को हम 5 परतों में डिवाइड करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वायुमंडल को जो है रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तब आपको क्या बताना है, 2 आधारों पर बांटते हैं, एक तो सममंडल हो गया और दूसरा विषममंडल हो गया। और ये मैंने आपको किस कैसा बताया, तापमान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल की संरचना है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो टेम्परेचर के आधार पर, इसको हम 5 परतों में डिवाइड करते हैं, सौरमंडल, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। रासायनिक संगठन के आधार पर हम 2 भागों में बांटेंगे, सम और विषम। तो याद रखिएगा इसका आंसर भी कि धरातल से जो है वो शोभ मंडल से ऊपर की ओर जाएंगे तो औसत जो है 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सही परिधि का आकलन जो है वो किसने किया, पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया, इराटोस्थनेस ने, भास्कराचार्य ने, गैलीलियो ने या आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया, फटाफट से बताइए, यहाँ सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर होगा। इस तरीके से नहीं है कि आपको जो है वो ऑप्शन ऐसे पढ़ना पड़े दवा जब आपको सोचना पड़े, सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जिसको पता है उन्होंने पहले ही लगा लिया है, इराटोस्थनेस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश प्रकीर्णन का कारण वायुमंडल का कौन सा घटक होता है, जल वाष्प, गैसीय पदार्थ, धूल कण या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से आंसर दें। तो बताइए कि प्रकाश प्रकीर्णन का जो कारण है वायुमंडल का कौन सा घटक है, और इस वजह से आकाश जो है वो हमें किस रंग का दिखाई देता है, ये भी एक आंसर है। एनसीईआरटी की बुक में जो है वो इस तरीके से कहानी के तौर पर जो है वो हर चीज़ दी जाती है, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से यदि आपने तैयारी की है, अच्छे से आप जो है पढ़ रहे हो, तो हर चीज़ आपको वहाँ पता चलेगी। ठीक है, आरबीएससी की बुक जो है वहाँ पर आपने कंसेप्ट जो है वो याद किए हैं, यानी आरबीएससी एनसीईआरटी दोनों का ही मेल जो है यदि मिल जाए तो वहाँ पर मज़ा ही आ जाए, और सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर जो आंसर रहेगा, धूल कण, प्रकाश प्रकीर्णन का कारण जो है वो वायुमंडल का कौन सा घटक है, धूल कण है। ठीक है, धूल कण है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोसोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, धूल कण मतलब धूल ही नहीं हो गई, इसमें जो है राख हो जाएगी, कालिक है, इसके अलावा जो अंतरिक्ष की कचरा है, जैविक पदार्थ है, बैक्टीरिया है ना, इन सभी के मेल को जो है वो हम इसमें गिनेंगे। तो प्रकाश प्रकीर्णन का कारण वायुमंडल कौन सा घटक है, धूल कण है। ठीक है, और इन्हीं के वजह से जो है वो हमें आकाश किस रंग का दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। तो कोई यदि आपसे पूछे कि प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है वो हमें जो धूल कण है, जो वायुमंडल का घटक धूल कण है, इसके कारण आकाश हमें किस रंग का दिखाई देता है, नीला, काला, पीला, तो आपको क्या बताना है, नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखें, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य, भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। तो बताइए, सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत पड़ती हैं,
तो जहां पर किरणें जो है वो लंबवत पड़ेंगी तो वहां का तापमान तो अधिक होगा। तो अब जो है वो इस तरीके से ग्लोब फटाफट से बनाकर जो है यहाँ पर जो है लाइन फटाफट से कर लें। ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा है। ये क्या है? मकर रेखा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सन जो है यहाँ पर यदि चमक रहा है तो बताइए सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत कहाँ पड़ेंगी? यहाँ पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी? यहाँ पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, ये ऊपर कर्क है, ये नीचे मकर है, यहाँ पर जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं। अगला देखिए, देखिए ज्योग्राफी ऐसी चीज़ होती है बिल्कुल साइंस की तरीके से। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आंसर जानते हो। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन में तो क्या होता है, रटने वाली बात होती है जहाँ आपको रटना पड़ता है, और ज्योग्राफी में आपको रटने के लिए कम होता है, समझने के लिए ज़्यादा होता है। तो समझिए यहाँ पर, तभी आपके उत्तर सही रहेंगे। पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्र के बीच हो तब निर्मित स्थिति को क्या कहेंगे? अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हैं, कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, पहले 2 बार पढ़ो। पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्र के मध्य हो, यानी कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ऐसे आप बना लो फटाफट से। अब यहाँ देखते ही पता लग गया है कि जब सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी पर पूरी रोशनी आ रही है, चंद्रमा, ठीक है। अब इस पृथ्वी ने चंद्रमा को क्या कर लिया? ढक लिया है। तो यहाँ पर क्या है? अंधेरा है। ठीक है, अब अंधेरा कहाँ पर है? चंद्रमा पर है अंधेरा, ये अंधेरा बना दो। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ क्या हो रहा है? चंद्र ग्रहण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो पृथ्वी तक ही रह गई, पृथ्वी के इस भाग पर ही पड़ गई, इस साइड जो है वो रोशनी नहीं गई है। ठीक है, और यही चीज जो है जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तब यही चीज होती है कि यहाँ पर जो है वो सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर बीच में चंद्रमा आ गया और पृथ्वी यहाँ आ गई। अब चंद्रमा ने क्या किया कि पृथ्वी पर जाने वाली रोशनी को रोक लिया। ठीक है, तो पृथ्वी पर हो गया अंधेरा, तो इसको क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। ऐसे आप डायग्राम बना लें तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन 20 देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान कितना है पृथ्वी का? 25 सेंटीग्रेड है, 15 सेंटीग्रेड है, 18 सेंटीग्रेड है, या 35 सेंटीग्रेड है? तो शुरुआत में ही मैंने आपको इसका आंसर जो है वो बता दिया था कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। ठीक है, तो बहुत ही ईमानदारी से आपको बताना है कितना जो है पृथ्वी का औसत तापमान है। यहाँ पर आप जो है 20 लिखकर जो है वो बी लिखें, 20 लिखकर सी लिखें, 20 लिखकर डी लिखें, जो भी आपको उत्तर सही लगता है वो ऐसा लिखें। सबके कमेंट देखती हूँ मैं और सबको आंसर भी करती हूँ। तो कई बच्चे जो हैं जो आलस कर जाते हैं, नहीं हमें तो लिखना ही नहीं है, तो देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी आप लोगों से जो है वो जबरदस्ती नहीं की जाती है। ये तो जो बच्चे मजे लेकर पढ़ते हैं तो ये उन्हीं के लिए है, ठीक है, और जो वाकई में सिलेक्शन चाहते भी हैं। यदि आप 25 में से जो है वो 17 सही करते हैं, 18 सही करते हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी से आप बताइए कितने सही करते हैं। खुद के साथ जो ईमानदारी दिखाता है तो वो बच्चा सक्सेस भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी के जो क्वेश्चन हैं मेरे क्यों गलत हुए हैं, ये टॉपिक मेरे क्लियर नहीं है, इसको मुझे दोबारा से पढ़ना है, तिबारा से पढ़ना है। ठीक है, और गलत नहीं करना है कि 25 में से हमने 17 सही किए हैं और हम लिख रहे हैं हमारे 25 सही हैं। ऐसा करने से क्या होगा, पता तो लग जाएगा दूसरों को कि आपने इतने अच्छे स्कोर किए हैं और आपने क्या किया है, झूठ बोलकर 24 मार्क्स जो है वो बताए हैं। अब आप जो है नहीं करोगे, जो भी आपने गलत आंसर दिए हैं उन टॉपिक को आप नहीं करोगे, क्योंकि मन ही नहीं करेगा। तो सच्चाई जो होती है ना वो आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 15 सेंटीग्रेड। देखिए कोई कुछ भी बोलता रहे, खुद के साथ ईमानदारी तो होनी ही चाहिए और जो कहते हैं उसे करना भी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब अभी यदि आप 25 में से जो है 10 आंसर सही देते हैं या 12 सही देते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसको टॉपिक को दोबारा पढ़िए, दोबारा से अच्छे स्कोर जो है वो करिए, लेकिन गलत नहीं करना है, झूठ नहीं करना है और बेईमानी नहीं करना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट 30 सेकंड, समय नहीं लगता या इनमें से कोई नहीं? अब बताइए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय तो लगता ही होगा, तो ये तो गलत है।
ठीक है, तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ जो आंसर होगा सभी का ही सही है, 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं? ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है ये समझिए कठिन होगा आपके लिए। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं? 180, 181, 179 या अनंत? क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं ऐसा नहीं पूछा है, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं जो है वो प्रदर्शित की जा सकती हैं या खींची जा सकती हैं ये पूछा है। तो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं? 180, 181 या 179? तो यह क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है उस पर भी डिपेंड करता है आपका उत्तर। तो यहां पर जो आंसर होगा क्या होगा, 180 नहीं होगा, 181 भी नहीं होगा, 179 भी नहीं होगा। कितनी भी जो है वो अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, यहाँ पर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता ही है। यहाँ पर मैंने अक्षांश रेखाएं नहीं पूछी हैं, अक्षांश वृत्त नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं? अनंत। नेक्स्ट देखें, दो अक्षांश रेखाएं जो हैं इनके मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? अक्ष, ग्रिड, गौर या कटिबंध? बताइए क्या कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है इसको हम क्या कहते हैं? कोई नाम तो होगा इसका, तो क्या कहते हैं इसको, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को? अक्ष कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, गौर या कटिबंध कहते हैं? तो कई बार जो है इन चीजों को आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम कहेंगे गौर। ठीक है, और जो जाल सा बन जाता है इस तरीके से अक्षांश देशांतर का, इसको क्या कहते हैं, वो जाल को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप सोचिएगा क्या मैंने सही बोला है इसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, पृथ्वी के संबंध में सही तथ्य नहीं है, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, इसका घूर्णन 365 दिन 5 घंटे में पूरा होता है, इसकी चाल 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इसे परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना है इतने सारे क्वेश्चंस में, तो इसका आंसर आप फटाफट दे देंगे जब मैंने घूर्णन के बारे में बताया था। ठीक है, तो फटाफट से जो है इसका आंसर बताना है। यहाँ पर तीन तो सही हैं लाइनें, लेकिन एक लाइन जो है वो गलत है, नहीं आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी की गतियों में जो खगोलीय गति है उसमें एक का नाम है घूर्णन गति, ठीक है, और दूसरा है परिक्रमण गति। तो मैंने आपको ये बताया, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर ही घूमना, यानी कि एक ही पॉइंट पर जो है वो पृथ्वी जो है वो घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष पर ही घूम रही है। परिक्रमण मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना। जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी ये जो है वो मूर्ति समझ लीजिए और इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या हो गई, परिक्रमा हो गई, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, इसको बोलेंगे परिक्रमण गति। तो ये जो खगोलीय गति जो होती है इसी से संबंधित ये प्रश्न है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के सापेक्ष जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी जो चाल जो है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बिल्कुल सही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, घूर्णन गति बोल रहे हैं, परिभ्रमण गति बोल रहे हैं, इसको हम दैनिक गति बोल रहे हैं। और पृथ्वी जो है वो कितने घंटे में, घूर्णन काल कितना है उसका, कितने समय में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो कथन गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्ष के बारे में अगर कोई पूछे आपसे कि अक्ष जो है किसे कहेंगे, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है उसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, तो कई बार जो है वो अक्ष जो है शब्द आता है तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर होगी, विषुवतीय वृत्त पर होगी। ठीक है, विषुवतीय रेखा पर होगी,
और सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुवों पर होगी। ये ध्रुव है और ये है भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुवों पर होगी। तो यहाँ पर तो देखिए हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, इतनी डिटेल जो है वो काफ़ी रहेगी और बाकी आप लोग जो है वो अपना पढ़ ही रहे हैं। 25 क्वेश्चन देखें, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। ऑप्शन देखिए, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा या ए और बी दोनों। फटाफट से जो है इसका आंसर देना है आपको। तो ये आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है और हमने जो है वो 25 क्वेश्चन ही नहीं, कई क्वेश्चन हमने यहाँ अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने जो आपको बताए हैं कई चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी की हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत नहीं पड़ती हैं। आंसर रहेगा ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो सी है मकर रेखा, तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती है 22 दिसंबर को। तो फटाफट से जो है वो आप लोग लास्ट में लिखें कमेंट में कि हमारे 25 में से कितने सही हुए हैं, और बहुत ही ईमानदारी से लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ूंगी। थैंक यू।